नमस्कार, आप सभी का स्वागत है देव संस्कृति विश्वविद्यालय कंप्यूटर साइंस डिपार्टमेंट में। तो हम यहाँ पर चर्चा के लिए बैठे हुए हैं। मैं डॉक्टर नवीन पांडे, प्रोफेसर अभय सक्सेना सर का स्वागत करता हूँ, डॉक्टर गोपाल कृष्ण शर्मा सर का स्वागत करता हूँ इस चर्चा में। देव संस्कृति विश्वविद्यालय में कंप्यूटर विभाग कैसे खुला, उसका क्या इतिहास रहा, उसकी स्थापना कैसे हुई, किन मुख्य बिंदुओं को लेकर यह विश्वविद्यालय निरंतर प्रगति की ओर बढ़ रहा है, इसी सब बिंदुओं को लेकर आज हमारे बीच उपस्थित है प्रोफेसर अभय सक्सेना सर। प्रोफेसर अभय सक्सेना सर, आपका स्वागत है इस चर्चा में। धन्यवाद। और सर का जो एक्सपीरियंस रहा है कंप्यूटर साइंस की फील्ड में मोर देन 25 ईयर्स, और नेशनल इंटरनेशनल लेवल पर सर के कई सारे रिसर्चेज पब्लिश हुई हैं, मोर देन 10 बुक्स सर ने लिखी हैं, जिसमें इंटरनेट ऑफ द थिंग्स, डेटा माइनिंग और इंटरनेट्स कई सारे बिंदुओं पर, और वैदिक इन्फॉर्मेटिक्स पे सर का काफ़ी इंटरेस्ट रहा है। पायनियर इंस्टीट्यूशंस की अगर हम बात करें वैदिक इन्फॉर्मेटिक्स को लेकर, तो सर ने इसमें किताबें लिखी हैं और इसके इस पर विषय पर कई सारे शोध जो है सर के माध्यम से हुए हैं। और सर का केवल नेशनल लेवल पर ही नहीं, इंटरनेशनल लेवल पर भी सर ने जाकर विभिन्न प्रकार के बिंदुओं को, कैसे वेद को लेकर, कंप्यूटर साइंस को लेकर कोरिलेट करके विभिन्न विषयों पर सर के लेक्चर और व्याख्यान प्रस्तुत हुए हैं। तो सर आपका बहुत बहुत धन्यवाद, आपने यहाँ पर समय दिया है। तो सर कुछ बिंदु हैं जिसको लेकर हमारे मन में भी चर्चा मतलब करने का मन था, और कुछ बिंदुओं पर देखा जाए तो स्टूडेंट्स के मन में भी चीज़ें रहती हैं कि देव संस्कृति नाम तो कुछ संस्कृत से जुड़ा हुआ है, कुछ डिवाइन कल्चर को लेकर चीज़ें हैं, और वहाँ पर जब कंप्यूटर साइंस हम सुनते हैं तो थोड़ा सा कान खड़े से हो जाते हैं कि कंप्यूटर साइंस टेक्नोलॉजी। तो कुछ आप सर बताइए मुझे कि ये स्थापना किस तरीके से हुई, इसका क्या इतिहास रहा है सर, प्लीज़। थैंक यू नवीन सर। तो मुझे खुशी है कि मेरे साथ दो महत्वपूर्ण विद्वान मेरे बैठे हैं, एक डॉक्टर गोपाल कृष्ण शर्मा जो कि आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस के एक्सपर्ट हैं, और डॉक्टर नवीन कुमार पांडे जो कि आर्टिफिशियल न्यूरल नेटवर्क के एक्सपर्ट हैं। तो इन विद्वानों की उपस्थिति में विभाग तो वैसे ही गौरवान्वित होता है। सत्य बात तो यही है कि विभाग की शुरुआत डॉक्टर नवीन, मुझे ऐसा लगता है कि 1992 का समय मुझे याद आता है जब परमादरणीय डॉक्टर साहब ने, उन दिनों शांतिगंज में एक ही कंप्यूटर हुआ करता था, और वो कंप्यूटर रूम की स्थापना थी जहाँ पर एक XT सिस्टम हुआ करता था। तो कभी ऐसी चर्चा के दौरान मुझे माताजी ने कहा था कि बेटा तेरे पास इतने कंप्यूटर ला दूंगे कि तेरे पास संभाले नहीं संभलेंगे। तो मैंने बड़ी विनम्रता से उनसे कहा था कि माताजी यहाँ तो एक ही कोई कंप्यूटर, एक कंप्यूटर है और कोई डॉक्टर प्रणव है। मैं नहीं जानता था आदरणीय डॉक्टर साहब को, मैं नहीं जानता था ऑनरेबल चांसलर साहब को, तो मेरे मन में भाव था कि वही चलाते हैं। बोले कोई बात नहीं बेटा, तू चिंता मत कर, इतने कंप्यूटर, सच में कहूँ तो शांति कुंज में कंप्यूटर विभाग की स्थापना हुई 1993 में। फिर वहाँ से 2001 का समय आया जब लोगों को ऐसा लगने लगा कि विश्वविद्यालय की स्थापना हुई, लोग जाने आने को तैयार नहीं थे। तो श्रद्धा डॉक्टर साहब ने एक दिन मुझसे कहा कि तुम्हें वहाँ जाना है। मैंने कहा ठीक है साहब, कब जाना है? बोले जितना जल्दी हो सके। तो एक घंटे के अंदर मैं अपनी पत्नी के साथ सामान लेकर विश्वविद्यालय में उपस्थित हो गया। 26 सितंबर 2002, जिस पहले दिन हम, मैं और डॉक्टर कावेरी जी दोनों, हम दोनों यहाँ पे आए। इन दिनों कंप्यूटर छोटा सा था, 5 कंप्यूटर हम लेकर के आए थे, 5 से 15 हुए, और हमारे पास कोई कोर्स नहीं था। फिर धीमे धीमे करके हमारे पास में एक इवनिंग कोर्स हो गया डॉक्टर साहब। इवनिंग कोर्स के बाद में पहले बैच के आप दो मूल विद्वान हैं मेरे पास, जो ज्ञानी मनीषी के रूप में अपने आप तैयार हुए 2006 में। मुझे ऐसा लगता है कि हमने पहली बार BSc शुरुआत की थी, शायद 65 बच्चे उस समय कक्षा में थे। 2009 में फिर MSc शुरू किया, उसके बाद 2012 आते आते हमने 2017 में MCA शुरू किया। तो BSc, BCA और शायद 2012 में BCA भी शुरू किया था ना डॉक्टर साहब? पहले कोर्स हमारा वैसे ही था, BSc, BCA, MSc और फिर तो PhD भी कंप्यूटर साइंस में हो रही है, और आप दोनों की अपनी अपनी एक्सपर्टीज है PhD के रूप में। तो विभाग की यात्रा बड़ी खूबसूरत सी रही, लोगों का साथ मिलता रहा। सबसे महत्वपूर्ण था परम श्रद्धेय डॉक्टर साहब का स्वयं कंप्यूटर के प्रति इतनी रुचि, वो हर समय टेक्नोलॉजी को आगे बढ़ाने के लिए, हम सबको आगे बढ़ाने के लिए। 2010 में हम सबके बीच में
परम आदरणीय प्रोविसी साहब आ गए, डॉक्टर चिमने पांड्या जी, जिनकी भी एक सोच थी कि इनोवेटिव टेक्नोलॉजी, तो इसी तरीके से कुछ यात्रा बढ़ती हुई आगे चली गई। तो उसमें कुछ चीज़ें आप ऐड कर सकते हैं। रशीद सर, जैसा आपने कहा कि शुरुआत से ही ये बड़ा ही अद्भुत आश्चर्य था कि देव संस्कृत विश्वविद्यालय में जो 2006 का जो पहला BSc प्रोग्राम जब शुरू हुआ, तो दैट वाज एन इंटरडिसिप्लिनरी प्रोग्राम, और जिसमें कि कंप्यूटर साइंस के साथ जब योग, साइकोलॉजी और अन्य विषय भी पढ़ाए जा रहे थे, लाइफ मैनेजमेंट, साइंटिफिक स्पेशलिटी, एंड वी आर सो प्राउड दैट उस पहले बैच में 65 स्टूडेंट्स का एक साथ दाखिला लेना, ये अपने आप में बताता है कि कंप्यूटर साइंस देव संस्कृत विश्वविद्यालय से पढ़ने के लिए कितनी अभिरुचि थी उनमें, और इसके साथ अन्य लाभ लेकर के वो कैसे शुरू से चल रहे थे। निश्चित ही चाहे मुझे वो यात्रा याद आती है सर आपकी, चाहे ड्रोवर्चर्स के माध्यम से जो डिफरेंट रिसर्चेस होती थी उसको टैप इन करने के लिए शुरू से कंप्यूटर्स के साथ जुड़ना, और श्रद्धेय डॉक्टर साहब के मार्गदर्शन में वो शुरुआत से उन चीज़ों का चलना और आज इस रूप में। बहुत बहुत ही अच्छा गोपाल सर, आप मतलब आपने जैसे अभी नाम लिया कि साइंटिफिक स्पिरिचुअलिटी भी है, और आपने बताया कि कुछ यज्ञ हवन ब्रह्मवर्चस, तो मतलब जहाँ तक मैंने सुना है ऐसा विद्यार्थियों के माध्यम से कि वो कंप्यूटर के साथ साथ योग की भी चीज़ें वो साथ में उन्होंने सीखा, साइकोलॉजी की चीज़ें सीखी, तो इस मतलब ये जो तीनों सब्जेक्ट्स इस तरीके से कॉम्बिनेशंस बने हैं, तो ऐसा कहीं और भी देखने को मिलता है क्या, मतलब आपने कभी ऐसा सोचा? मेरे ख्याल से अदनी सर के मार्गदर्शन में शुरू से जब हम ग्रेजुएशन में पढ़ रहे थे तो उसी समय से हम लोग कई इनोवेटिव काम करते थे, तो उसमें इंटरनेट में हम लोग चीज़ों को एक्सप्लोर करते थे, और हम लोग को शुरू से अभ्यास चलाया गया कि भाई बेस्ट प्रैक्टिसेस कहीं के भी हो हमें उनसे सीखना है और अपनी देव संस्कृत विश्वविद्यालय की ओरिजिनैलिटी के साथ आगे बढ़ना है। तो इस दौरान हम लोग जब एक्सप्लोर करते थे तो दुनिया बात कर रही थी इंटरडिसिप्लिनरी एजुकेशन की, इंटरडिसिप्लिनरी रिसर्चेस की, और विशेषकर आर्ट साइंस कॉम्बिनेशन ऑफ एजुकेशन की। लेकिन इस बात का हमें गर्व है और गौरव है, वी आर सो प्राउड दैट वी आर पार्ट ऑफ दैट फर्स्ट बैच ऑफ द वर्ल्ड, आई थिंक वी कैन से, जहां पर कि इस तरह के इंटरडिसिप्लिनरी प्रोग्राम्स पढ़ाए जाए। बिल्कुल ऐसा मैं भी फील करता हूं, क्योंकि जैसा सर ने बताया कि 2006 का हम लोगों का बैच है, तो निश्चित रूप से थोड़ा सा कहीं ना कहीं प्रैक्टिकलिटी देखें तो एज ए स्टूडेंट्स उस समय तो लग रहा था कि ये तीनों चीज़ें हम लोग पढ़ रहे हैं, ये BSc साइंस में आता है कि नहीं आता, आर्ट्स में है कि क्या है, लेकिन आज उस चीज़ की जो वैल्यू हम लोगों को महसूस हो रही है कि जहाँ दुनिया योग की तरफ जा रही है, वैदिक वेदों की बातें कर रही है, तो आज हम लोग एटलीस्ट उस स्टेज पर हैं, देव संस्कृति विश्वविद्यालय की देन है, इस विचारधारा की देन है, जिसकी वजह से आज हम लोग उस बदलते हुए दौर के साथ जुड़े हुए हैं। तो इसी क्रम में सर, एक सर से मेरा बहुत अच्छा मतलब एक जिज्ञासा है कि कैसे टीचिंग लर्निंग मैकेनिज्म अगर हम लोग देखें थोड़ा सा, तो जो अन्य विश्वविद्यालय हैं या कंप्यूटर साइंस के जो कोर्सेज हैं, BCA, MCA आपने जैसा बताया, तो यहाँ पर टीचिंग लर्निंग मैकेनिज्म क्या है आपका, मतलब इस डिपार्टमेंट में? बिल्कुल ठीक है नवीन सर, टीचिंग लर्निंग मैकेनिज्म से पहले मैं एक चीज़ बताना चाहूँगा, जैसे डॉक्टर साहब ने भी कहा कि इनकॉर्पोरेटिंग वैल्यूज इन द इंडिविजुअल, देखिए टेक्नोलॉजी तो हर जगह पढ़ाते हैं, BTech, MTech, MS, ये जितने भी कोर्सेज हैं, हार्वर्ड है, ऑक्सफोर्ड है, कैम्ब्रिज है, कार्लविन, इतनी सारी यूनिवर्सिटीज़ हैं जहाँ पर टेक्नोलॉजी तो पायनियर हो सकते हैं, पर इस संस्था ने एक चीज़ ज़रूर सिखाई, वैल्यू बेस्ड टेक्नोक्रेट्स, कि पहले आप ह्यूमन बीइंग बनिए, बाद में आप मशीन को गवर्न करिए। तो शायद ये ही एक बात थी जो आज सुबह भी मुझे चर्चा में कही श्रद्धा जी ने, कि बेटा प्यार बांटना, आपस में एक दूसरे के प्रति विश्वास बांटना, और इंसानों को ये महसूस कराना कि तुम मशीन को गवर्न करने के लिए तो बाद में हो, पहले इंसानों के बीच में प्यार बांट करके आप उनके साथ सौहार्द स्थापित करें। तो यहाँ एक तरफ हमें नॉलेज मिलती है और एक तरफ उस विजडम को हम अप्लाई करते हैं, अप्लाइड विजडम, तो इस कारण हमारे बच्चे या हमारे आचार्य या हमारा डिपार्टमेंट या हमारी यूनिवर्सिटी अन्य टेक्निकल यूनिवर्सिटी से भिन्न है। जो आपने कहा कि टीचिंग लर्निंग मैकेनिज्म, तो लैब्स तो सभी के लिए इंडिविजुअल हैं, सिस्टम एक एक सिस्टम जो है इंफ्रास्ट्रक्चर पॉइंट ऑफ व्यू से कि पर स्टूडेंट लाइक ही और शी कैन हैव वन सिस्टम, तो इंडिविजुअलिटी में एक सिस्टम सबके साथ होल डे दे आर लाइक द सिस्टम इज ओपन फॉर देम, देन BCA की अपनी लैब है, MCA की अपनी लैब है, BSc की अपनी लैब है, सो लैब तो एक ही बात हो गई। दूसरी चीज़ है कि जैसे कि यूनिवर्सिटी का मैकेनिज्म है टीचिंग और लर्निंग में, से वी हैव द क्विजेस, वी हैव द सेमिनार, वी हैव द रेगुलर प्रोग्रेस ऑफ द स्टूडेंट, तो कहीं ना कहीं विद्यार्थी के साथ ये वो आचार्य हैं ना, जो आप युवाओं के रूप में भी आप जिनको देख सकते हैं, या हमारे स्वयं परम श्रद्धेय डॉक्टर साहब या परम आदरणीय प्रोविसी सर
24/7 है जी जी। क्लासरूम टीचिंग खाली नहीं है कि हम आए क्लास में पढ़ाए और आके निकल गए, नो, वी केयर फॉर देम। और हम उनके तब तक लाइक राइट फ्रॉम द जब वो यूनिवर्सिटी में अंदर आते हैं और उस यूनिवर्सिटी से बाहर जाने के बाद भी उनके अंदर एक भाव रहता है कि लाइक दे आर अवर टीचर। तो यहाँ टीचर कम है, गार्जियन ज़्यादा है। तो ये जो भाव है इसको डॉक्टर साहब भी और आगे से बताएंगे। लाइक सिस्टम तो खाली है कि ये जो आपके सामने लैब्स दिखी रही है, इंफ्रास्ट्रक्चर वो तो है ही है, इसके अलावा वर्चुअल क्लासरूम भी हैं जहाँ से आप बच्चे आराम से बैठ करके चीज़ों को और आगे लेके चल सकते हैं। बहुत ही अच्छा सर, मतलब जैसा वर्चुअल क्लासरूम्स भी हैं, वर्चुअल लैब की बात भी अगर सर आपने जैसा किया, तो इससे मुझे ये लगता है कि बच्चा कहीं ना कहीं मॉडर्न टेक्नोलॉजी से कहीं पीछे नहीं है। तो सर आप जैसे कि क्या जावा है, मैटलैब है, डेटा माइनिंग है, कुछ प्रोग्रामिंग स्किल्स पे भी हम लोग कुछ करते हैं यहाँ पर? मेरे ख्याल से जैसा अनिल सर ने कहा कि जो टीचिंग लर्निंग है हमारी, जो टीचिंग लर्निंग वो बहुत हद तक प्रभावित करते हैं हमारे वो उद्देश्य, जिस उद्देश्य को लेकर के हमारी स्थापना देव संस्कृत विश्वविद्यालय में हुई है। क्योंकि कोई भी विश्वविद्यालय जब कोई भी फैकल्टी या कोर्सेज शुरू करता है तो जाहिर सी बात है एक उद्देश्य को लेकर के करता है। चाहे टेक्नोलॉजी की बात की जाए तो वो कटिंग एज टेक्नोलॉजी, सारी प्रोग्रामिंग लैंग्वेजेस, और उसको भी कैसे, एक जो बहुत बढ़िया फैक्टर मैं आपको बताना चाहूँगा यहाँ पर कि हमारे देव संस्कृत विश्वविद्यालय में भारत का असली प्रतिनिधित्व आता है। अच्छा। यानी यहाँ पर बहुत बड़ी मात्रा में गाँव के बच्चे आते हैं, मतलब मल्टीपल मल्टीपल सोशो इकोनॉमिक लेवल, सोशो इकोनॉमिक बैकग्राउंड से डिफरेंट डिफरेंट बोर्ड्स के, डिफरेंट डिफरेंट राज्यों के, ऑलमोस्ट हर स्टेट का प्रतिनिधित्व है यहाँ पे। तो एज अ टीचर तो आपको काफी स्ट्रगल करना होता है, लेकिन यही बच्चा यहाँ पर एक ऐसा, वही सर ने बताया कि हमारे जो कि उद्देश्य इस तरीके के हैं कि हमको हर किसी को आगे बढ़ाना है। तो वो बच्चा जो शुरुआत में कहीं ना कहीं अंग्रेजी को लेकर संघर्ष कर रहा है, प्रोग्रामिंग लॉजिक को लेकर संघर्ष कर रहा है, तो उसके साथ हम लोग आत्मीय भाव से, जहाँ तक एक आध्यात्मिक वातावरण है जो देव संस्कृत विश्वविद्यालय के उद्देश्यों का हिस्सा है, जो वहाँ की टीचिंग लर्निंग का पार्ट है। जैसे सर ने कहा कि क्लासरूम में सिर्फ टीचिंग नहीं हो रही, राउंड द क्लॉक इट इज हैपनिंग ऑल अराउंड। उस बच्चे का कॉन्फिडेंस बढ़ाने के लिए हम सिर्फ उसको प्रोग्रामिंग लॉजिक सॉल्व करने के लिए नहीं सिखाते, हम लोग उसको सिखाते हैं कि वो प्रॉब्लम सॉल्विंग सीख जाए, ताकि लाइफ की वो प्रोग्रामिंग कर पाए और इनर इंजीनियरिंग कर पाए। तो मेरे ख्याल से इस तरीके की बड़ी सोच को लेकर मैं जरूर चाहूंगा सर कि उद्देश्यों को लेकर के यहाँ पर थोड़ी और बात अगर हो जाए कि किन उद्देश्यों को लेकर के हम यहाँ पर हैं। मेरे ख्याल से सर इस पर बिल्कुल सर, सबसे पहले तो जैसे डॉक्टर साहब ने अभी कहा कि विश्वविद्यालय का उद्देश्य था अच्छे मानव सच्चे मानव गढ़े जा सके, उसी परिप्रेक्ष्य में देव संस्कृति विश्वविद्यालय के अंदर कंप्यूटर विभाग है। लाइक उद्देश्य सेम है कि बीइंग एन इंडिविजुअल यू हैव टू ग्रो इन सच अ वे दैट यू आर लाइकली टू सर्व एंटायर वर्ल्ड। देखिए टेक्नोलॉजी के क्षेत्र में बच्चे बाहर भी जा रहे हैं, इंडस्ट्री भी अप्रोच कर रहे हैं, इंटरनेशनल विजिट्स में जा रहे हैं। सबसे महत्वपूर्ण हमारे फैकल्टीज, जब डॉक्टर भोपाल को ही देख लें तो डॉक्टर भोपाल ने US गए, उन्होंने वहाँ पे प्रोजेक्ट्स पे काम किया। आपने खुद डॉक्टर नवीन जी आप 3-5 देशों की यात्रा कर चुके हैं, वियतनाम, बर्मा, कजाकिस्तान, और इस तरह से फैकल्टियों के बीच में क्या सच्ची बात ये होती कि हमें ज्ञान की गंगा को देश ही नहीं विदेश तक पहुंचाना है। हमारे अपने बच्चे BSc BCA MCA के बच्चे विदेशों में माननीय प्रति कुलपति जी के माध्यम से जा रहे हैं, तो टेक्नोलॉजिकल इंटरवेंशन तो एक जगह है ही है, साथ उनके अंदर वैल्यू भी है कि लाइक टेक्नोलॉजिकल वैल्यूज के साथ जब वो बात करते हैं ना कि भाई कोर कंप्यूटिंग की बात करें, जावा की बात करें, प्रोग्रामिंग की बात करें, सो प्रोग्रामिंग ऑफ लाइफ इज बीइंग इनकॉर्पोरेटेड इन देयर डे टू लाइफ। इसको मतलब सर इस तरीके से हम समझ सकते हैं कि जैसे जो बच्चा यहाँ से पढ़कर मार्केट में गया या इंडस्ट्री में गया, तो वहाँ की जो प्रॉब्लम्स हैं उसको वो किस तरीके से अपने लाइफ में कोप अप करता है। स्ट्रेस तो होगा ही, डेडलाइंस का प्रेशर होता है, तो वो बच्चा जो यहाँ से निकल कर जाता है उसको हैंडल कर सकता है, जहाँ तक वैल्यूज की अगर हम बात करें और एथिक्स। बीइंग डिफरेंट तो है ही है जी, जैसे शब्द है ना ह्यूमन बीइंग, लाइक यू कैन नॉट मेक अ चॉइस विद ह्यूमन बीइंग, बट बीइंग ह्यूमन कैन बी अ चॉइस, है ना। तो यहाँ पे बच्चों को ये सिखा जाता है, चाहे वो आर्ट ऑफ लिविंग के माध्यम से हो, चाहे परम श्रद्धेय डॉक्टर साहब की गीता और मेडिटेशन की क्लासेस हो, चाहे टीचर्स का खुद की लाइफ स्टाइल, लाइक जब वो नए प्रोफेसर्स को देखते हैं कि उन वैल्यूज को अपने जीवन में उतार करके और बिल्कुल साधारण लाइक धोती कुर्ते में यही पढ़ा जाती कंप्यूटर, है ना। आप इसे इस तरीके से भी देख सकते हैं कि ये एक ऐसा विषय है जहाँ पे टेक्नोलॉजिकल इंटरवेंशन के साथ माइंड सेट होता है जी। सो द ऑल द थिंग इज क्वालिटी ऑफ लाइफ, अगर क्वालिटी ऑफ लाइफ के लिए बच्चा जाएगा तो उसे अपने आप ही सारी चीजें आ जाएंगी। अन्य यूनिवर्सिटीज में क्या है, दे गो फॉर द मनी, जो इनके पास अल्टीमेटली कैसा जॉब अच्छा होना चाहिए, पैकेज अच्छा होना चाहिए, यहाँ पे जॉब और पैकेज छोड़ करके उन्हें एक अच्छा इंसान बनाया जाता है।
तो जो सबसे बड़ा अंतर आता है ना डॉक्टर साहब यहाँ पर, कि चाहे वो अभी गोपाल साहब इसमें एड ऑन करेंगे कि दी वैल्यू ऑफ लाइफ या क्वालिटी ऑफ लाइफ दैट हैज टू बी इम्प्रोवाइज्ड। तो जब वो इम्प्रोवाइज स्टेट में आती है ना, तो बच्चे सुसाइडल टेंडेंसी में नहीं पड़ते, डे टू डे प्रॉब्लम्स में नहीं पड़ते, वर्क प्रेशर से नहीं परेशान होते, वो बड़े खुश रहते हैं कि सर हम बढ़िया सा काम कर रहे हैं और लाइफ हमारी बड़ी इंटरेस्टिंग हो गई है। तो अब पीछे जा करके जॉब में जा करके भी वो यहाँ फोन करते हैं, सर इन डे टू डे प्रॉब्लम्स के लिए हम अब लोगों को सोल्यूशंस प्रोवाइड कर रहे हैं। बहुत ही तो ये बात भी थोड़ा सा आप ऐड करेंगे डॉक्टर साहब कि किस तरीके से हमारे बच्चे हमें एक तरीके से वो देते हैं क्या रिपोर्ट कार्ड। जी, जी, जी। इसमें सर सबसे बड़ी बात तो वो स्टूडेंट्स आपके सामने ही बैठे हैं जो आप लोगों के माध्यम से तैयार किए गए। इस विश्वविद्यालय ने इतना कुछ दिया कि दुनिया भर की सारी चीज़ें देखने के बाद भी लगा कि यहाँ के लिए कुछ करना है। वो सिर्फ इसलिए क्योंकि मॉडल ऑफ एजुकेशन जो है ये इतना यूनिक है कि जब गुरुदेव ने कहा कि पूरे देश में एक ऐसा विश्वविद्यालय होना चाहिए जिसको आरंभ में ही सर ने कहा सच्चे मनुष्य बड़े मनुष्य और महान मनुष्य बनाए जा सके, तो शिक्षा के साथ विद्या, शिक्षा के साथ मूल्य, शिक्षा के साथ संस्कार और वो गुरुकुल परंपरा का पुनर्जीवन, नालंदा तक्षशिला का पुनर्जीवन। अब जब इसकी बात लोग सोचते हैं, जैसा आपने शुरू में ही कहा, नाम जब सोचते हैं देव संस्कृत विश्वविद्यालय, तो वहां पर आज ये देव संस्कृत विश्वविद्यालय एक मॉडर्न गुरुकुल है जहां पर कि उस समय ऋषि मुनि जो गुरुकुलों में आचरण करने का प्रयास कर सकते, उसी प्रकार से यहाँ पर जैसा सर ने भी मेंशन किया कि वही वातावरण पहले देना, वो एक स्पिरिचुअल एम्बियंस देना, पॉजिटिव एम्बियंस देना, बिल्कुल जीरो कार्बन वाला एक एम्बियंस देना, ऑक्सीजन रिच एम्बियंस देना, चारों तरफ सदभाग के लगे हुए हैं, चारों तरफ हरियाली है, हर लोग मुस्कुराते हुए आपको मिलेंगे, पॉजिटिव बातें करते हुए मिलेंगे, और जो दिनचर्या है और जो जीवन शैली है सबसे बड़ी चीज जो सर ने कहा, जो आपने कहा स्ट्रेस और जो प्रॉब्लम है वो है नहीं। और जो मेरे को सबसे बड़ी बात याद आती है कि सर की क्लासेस में हम लोग बैठे हैं और अपने श्रद्धेय की क्लासेस से और जो बड़ों की क्लासेस हमने सीखा कि जो सर ने भी मेंशन किया कि मार्केट के लिए और एक पैकेज के रूप में तैयार करना किसी का उद्देश्य हो सकता है, लेकिन देव संस्कृत विश्वविद्यालय विद्यार्थी को उस युवावस्था में जब उसका मन और उसकी ऊर्जा बिखर रही होती है तो उसको शायद 25 से 35 और 35 से आगे 75 और 100 साल का वो कैसा अपना व्यक्तिगत जीवन जिएगा, पारिवारिक जीवन जिएगा, सामाजिक जीवन जिएगा और कैसे वो फुलफिलिंग रहेगा। बहुत अच्छा लगा डिस्कशन करके। एक जैसे आपने भी बताया कि गुरुकुल है, मॉडर्न गुरुकुल जी, तो जब गुरुकुल की बात करें तो हमने जैसा सुना है कि गुरुकुलों में हमारे जो ऋषि मुनि हुआ करते थे वो रिसर्च करते थे, मतलब कुछ शोध करते थे, चाहे आप विश्वामित्र जी को ले लीजिए, चाहे वशिष्ठ जी को ले लीजिए, उन सब की अपनी अपनी एक परंपरा है, एक सोच है, एक शोध है। तो क्या इस तरीके की शोध, इस तरीके की रिसर्च क्या हमारा कंप्यूटर विभाग में भी कुछ ऐसा होता है, तो इस विषय में कुछ आप बताना चाहेंगे? मेरे ख्याल से जो ऋषि जो शोध करते थे जी, ये अगर आपने प्रश्न किया है ये बड़ा अद्भुत प्रश्न है क्योंकि उनके अन्वेषण उनके शरीर की लैब में होते थे जी, और हमें हमारे कुलपिता ऋषि वेदमूर्ति पंडित श्री राम शर्मा आचार्य जी के रूप में मिले जी। हम लोगों के लिए प्रोफेशनल लेवल पे बच्चों को कंपिटेंट बनाना एक उद्देश्य है, ठीक है, और उस उद्देश्य को लेकर के हम लोग क्या करते हैं आगे जरूर उस पर भी हम लोग चर्चा करेंगे, चाहे वो ब्रेनस्टॉर्मिंग सेशंस हो, चाहे को-करिकुलर एक्टिविटीज हो। लेकिन जिस प्रश्न को आपने पूछा, यहाँ पर चाहे आदरणीय सर के माध्यम से वो शुरुआत हो वैदिक इन्फॉर्मेटिक्स की, चाहे आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस की, आर्टिफिशियल नेटवर्क की, क्लाउड कंप्यूटिंग की, सोशल इन्फॉर्मेटिक्स की, उन सारे क्षेत्रों में जब शोध करते हैं तो हम लोग सिर्फ मशीनों और डेटा में नहीं उलझते। अच्छा, यहाँ की जो शोध है वो उसके साथ साथ हमारी ऋषि के वो 3200 साहित्य, अच्छा, उनके वो सद्विचार, परम श्रद्धेय डॉक्टर साहब की गीता ध्यान की कक्षाएं, उनके वो प्रायोगिक शिक्षण, तो एक तरफ हम लोग रिसर्चेस कर रहे हैं, पब्लिकेशंस कर रहे हैं साइंस के उस लेवल पे, तो दूसरी तरफ इस विश्वविद्यालय की स्थापना का उद्देश्य जो वैज्ञानिक अध्यात्मवाद था उस दृष्टि से आध्यात्मिक लेवल पे अपने जीवन के अंदर भी बहुत कुछ अच्छे प्रयोग करने की कोशिश करते हैं। सर बिल्कुल ठीक है डॉक्टर साहब, की like research is the fundamental of any university and we are proud that we have the department of computer science leading in this front, right from the AI expert Dr. Gopal, ANN expert Dr. Naveen, we have green computing, we have cloud computing, we have say data analytics program, modular programs we are running for the student, social informatics like Dr. Parth is likely to be joining us in the next scenario. So base mein ek hi baat hai, jaise Dr. Gopal ji ne kaha ki research kis liye, समाज को कुछ लौटाने के लिए। रिसर्च का मूल उद्देश्य यही होता है कि आपने कुछ खोजा और उस खोज करके इतना बेहतर प्रस्तुत किया कि समाज में जो लास्ट माइल रनर है उसको भी उसकी रिसर्च का फायदा मिले, अदरवाइज इट विल मेरली अ बुक। जो IITs और विभिन्न प्रोमिनेंट यूनिवर्सिटीज में होती है कि दे कम आउट विद सर्टेन सोल्यूशन, बट हाउ इट इज लाइकली टू अप्लाई ऑन सोसाइटी, दैट इज द मेन थॉट ऑफ अवर गुरुदेव।
गुरुदेव ने भी कहा अपना सुधार संसार की सबसे बड़ी सेवा है। सो रिसर्चेस जैसे डॉक्टर गोपाल भी बाबा कहते हैं, इट्स अ ट्रांसफॉर्मेशन ऑफ द विजन दैट हैज टू बी इनकॉर्पोरेटेड इन डे टू डे लाइफ। इफ यू आर एबल टू डू इट सो देन ओनली यू आर लाइकली टू सर्व द पर्पस। तो रिसर्च के जो पर्पस अगर आप देखें, 100 से ज़्यादा विभागीय रिसर्च पेपर पब्लिश हैं, नेशनल इंटरनेशनल जर्नल स्कॉपस एल्सवियर, जितने भी प्रोमिनेंट SCI जर्नल्स में आप देख सकते हैं, यूनिवर्सिटी के साथ में ध्यान में रखते हुए डिपार्टमेंट ऑफ कंप्यूटर साइंस के पास में 3 पेटेंट्स हैं, 2 कॉपीराइट्स हैं, और हमारे जो रिसर्च स्कॉलर्स हैं वो सारे अपने निष्णात आचार्यों के साथ मिलकर के बहुत अच्छा काम कर रहे हैं। तो जल्दी आपको सुनने मिलेगा कि देश संस्कृति विश्वविद्यालय में इतने पेटेंट्स और बढ़ गए। तो ये डिपार्टमेंट ऑफ कंप्यूटर साइंस की USP है, जहाँ पर रिसर्च को एक प्रोमिनेंटली प्ले किया जा रहा है। तो बहुत ही अच्छा है एक प्रकार से देखें तो। जहाँ तक मॉडर्नाइजेशन की अगर हम लोग बात करें तो मॉडर्न स्टैंडर्ड्स जो भी होते हैं टेक्नोलॉजी को लेकर वो हम लोग फुलफिल करते आ रहे हैं, और उसके साथ साथ उसका जो ब्लेंड है वैदिक कल्चर के साथ में, एंशिएंट टेक्नोलॉजीज के साथ में, उसको कैसे मिलाकर कुछ रिसर्चेस जैसे मैंने पढ़ी है, मतलब क्वांटम कॉन्शियसनेस की बात डॉक्टर गोपाल सर ने किया है, कैसे आर्टिफिशियल न्यूरल नेटवर्क्स को लेकर बिहेवियर या पर्सनालिटी का प्रडिक्शन किया जाए, इन सब चीज़ों को, और हमने डिजिटल रूरल को कैसे डिजिटलाइज किया जाए, इन सब चीज़ों पे जो रिसर्चेस हो रही हैं, तो ये मैंने देखा है कंप्यूटर साइंस डिपार्टमेंट में, तो निश्चित रूप से काफ़ी बढ़िया है। इसी क्रम में सर अगर हम लोग आगे बात करें MOUs जो होते हैं, कि हम केवल क्या देव संस्कृति विश्वविद्यालय तक ही सीमित है, या हमारा जो एक स्कोप है वो बाहर के विश्वविद्यालय हैं, इंस्टीट्यूशंस हैं, कॉलेजेस हैं, उनके साथ क्या हमारा कोलोबरेशंस में कुछ प्रोग्राम्स चलते हैं? मेरे ख्याल से जैसा नाम है विश्वविद्यालय जी, तो विद्यालय ऐसे हैं जो पूरे विश्व के बेस्ट ऑफ बेस्ट नॉलेज को कोलोबरेट करते हैं। तो आज का जो एजुकेशन है उस सिनेरियो में चाहे ऑनलाइन चीज़ों को पढ़ना समझना हो, देव संस्कृति विश्वविद्यालय अपने आप में आज से महीनों पूर्व ही 50 से ज़्यादा अंतर्राष्ट्रीय, वी आर ओनली टॉकिंग अबाउट इंटरनेशनल MOUs, जो कि हमारे परम श्रद्धेय के मार्गदर्शन में हमारे ऑनरेबल चांसलर और वाइस चांसलर सर के माध्यम से जो इंटरनेशनल एक्सपेंशन हुआ, और उसमें इन स्पेसिफिक टू दैट कई सारे संस्थानों में हमारे आदरणीय प्रोफेसर सक्सेना सर स्वयं विजिट कर चुके हैं, और कई वहाँ के फैकल्टीज के साथ लगातार ऑनलाइन सेशंस वर्कशॉप्स होते रहते हैं, और जो भी इंटरेस्टेड ग्रुप ऑफ स्टूडेंट्स होते हैं वो उनके साथ मिलकर रिसर्च कर रहे हैं और बहुत अच्छे से कोलैबोरेट कर रहे हैं। वो प्रोफेसर से यहाँ विजिट कर रहे हैं, वर्कशॉप्स हो रहे हैं, सेमिनार्स हो रहे हैं, वेबिनार्स हो रहे हैं, स्टूडेंट एक्सचेंज प्रोग्राम, स्टूडेंट एक्सचेंज प्रोग्राम का थोड़ा सा जिक्र पहले भी किया था कि हमारे यहाँ के कंप्यूटर साइंस के स्टूडेंट जो कि विदेशों में जा करके बहुत शानदार काम, और मैं आपको बताना चाहूँगा कि यही वो मानवी है जिसका अंदाज कोई नहीं लगा सकता कि कंप्यूटर साइंस का बच्चा एक और प्रोग्रामिंग कर रहा है, रोबोटिक्स कर रहा है, चाहे वो उसके साथ साथ वो जो वहाँ पर वैल्यूज को लेकर के काम कर रहा है। लोग आश्चर्य करते हैं कि टेक्नोलॉजी फॉर सोशल सर्विस पढ़ाई कहाँ जाती है, टेक्नोलॉजी फॉर ट्रांसफॉर्मेशन पढ़ाई कहाँ जाता है, जहाँ बच्चे ने क्या किया कि टेक्नोलॉजी को अपने ऊपर हावी होने नहीं दी। ऐसा नहीं कि वो इतना एडिक्ट हो गया कि वो मोबाइल एडिक्ट हो गया, इंटरनेट एडिक्ट हो गया, गेमिंग और प्रोग्रामिंग एडिक्ट हो गया। उसने ये डिसाइड किया कि भाई साहब एक समय में लगाऊंगा, प्रोफेशनली अच्छे से डेवलप करूंगा, लेकिन मैं जानता हूं कि मेरे को डिजिटल डिटॉक्स कैसे करना है, मेरे को अपनी डिजिटल वेलबींग कैसे करनी है, और ये समझ यहां से उसको मिलती है। तो ये इंटरनेशनल एक्सपेंशन के बारे में, क्योंकि सर खुद कई कंट्रीज विजिट किए हैं और कई जगह आपने लेक्चर्स दिए हैं, तो मैं चाहूँगा सर थोड़ा अपने एक्सपीरियंसेस को भी यहाँ पर आप शेयर करेंगे। बिल्कुल डॉक्टर साहब, जैसे सबसे महत्वपूर्ण तो है हमारे जो विजनरी हैं परम श्रद्धेय डॉक्टर साहब, और उसके बाद आप डॉक्टर चिन्मय पांडे जो हमारे प्रो वाइस चांसलर हैं, एक विजन के साथ वो यूनिवर्सिटी को लेकर चल रहे हैं। तो हम सब की भी सोच यही है कि उनके विजन में अपना विजन मिलाया जाए, है ना। इसी क्रम में मैं यूनिवर्सिटी ऑफ मलेशिया गया, जो एक हमारा जो यूनिवर्सिटी का MOU यूनिवर्सिटी ऑफ मलेशिया के साथ है, प्रोफेसर नारायणन वहाँ पे हैं जो सोशल इन्फॉर्मेटिक्स की में डायरेक्टर हैं, और मुझे भी 2 साल के लिए उन्होंने अपने यहाँ एज ए रिसर्च विजिटिंग रिसर्च का एक पद दे रखा है, 2021 तक वो वैलिड है। इसके अलावा यूनिवर्सिटी ऑफ क्वाज़ुलु नताल है जो डरबन में, उनके साथ एक डिपार्टमेंट ऑफ कंप्यूटर यूनिवर्सिटी का MOU हुआ है। इसके अलावा यूनिवर्सिटी ऑफ ताइवान, नेशनल यूनिवर्सिटी फॉर्मोसा यूनिवर्सिटी, इसके अलावा आप ध्यान से देखें तो यूनिवर्सिटी की एक आउटरीच जो है वो बढ़ती जा रही है जी। इसलिए कि अभी तक हम सोचते थे कि हम पहुँचे, अब लोग भी हमारे पास पहुँच रहे हैं। अगर आप डॉक्टर साहब से पूछें, इंटरनेशनल सेल हमारा इतना अच्छा काम कर रहा है कि अराउंड 50 स्टूडेंट्स जो है वो इंटरनेशनल स्टूडेंट्स DSV में आके पढ़ रहे हैं,
तो पहुंच अब दोनों तरफ से हो रही है। हमारे बच्चे तो अच्छा कर ही रहे हैं, जैसे कई ऐसे बच्चे हैं जिन्होंने सोशल इन्फॉर्मेटिक्स से बेहतरीन काम किया, अपने गांव के लिए काम किया, उन्होंने उसकी वेबसाइट डेवलप की है, वो राष्ट्रीय अंतर्राष्ट्रीय मंचों पे उन्होंने अपने आप को प्रस्तुत किया, तो ये देख करके बहुत खुशी होती है कि जो हमारी नई पौध है उसमें परम पूज्य गुरुदेव का विजन आता हुआ चला जा रहा है। तो इसी क्रम को फिर आगे बढ़ाते हैं। तो कई सारे देखा जाए तो बच्चों के सामने मौके हैं कि अगर वो चाहें तो वर्कशॉप अटेंड कर लें, इंटरनेशनल कॉन्फ्रेंसेस अटेंड कर सकता है, जाने के भी मौके हैं। मेरे ख्याल से पूरे मौके हैं। और इसमें जो एक मजेदार चीज है, जब आप स्टूडेंट्स की बात करते हैं, वी आर सो प्राउड ऑफ आवर स्टूडेंट्स जी, कि इस विभाग की शुरुआत से ही जी एक ऐसा मॉडल यहाँ पर, जो हमारे मतलब गुरुदेव की विचारधारा थी कि भाई रिफाइनमेंट ऑफ पर्सनैलिटी, कैपेसिटी बिल्डिंग, लीडरशिप क्वालिटी, मैनेजरियल स्किल, तो इसको लागू करते हुए विभाग ने शुरू से बच्चों के साथ कोलैबोरेट करके, चाहे इनोवेटिव कुछ भी इवेंट्स क्रिएट करने हो, वो मतलब बच्चों की टीचिंग लर्निंग ऐसी है कि बच्चे टीचर्स के साथ इतने शानदार रिलेशनशिप में रहते हैं कि वो क्लासरूम में मतलब लर्निंग को एक एंटरटेनमेंट मॉडल के रूप में, कि एजुकेशन विद एंटरटेनमेंट, जब जस्ट अ मिनट की बात हो, जहाँ पे वो हर विषय पर आप कल्पना नहीं कर सकते कि कंप्यूटर साइंस के बच्चों ने बिल्कुल शानदार एक क्या बोलते हैं सॉन्ग बना रखा था, रैक जैक रॉक जैक पॉप टाइप की, वो डाटाबेस पढ़ रहे हैं तो उसके लिए बहुत अच्छा कर रहे हैं, फिर उसके अलावा वो छोटे छोटे रोल प्लेस कर रहे हैं, छोटे छोटे स्क्रिप्ट कर रहे हैं, जब उनको मैनेजमेंट पढ़ना है तो सर के माध्यम से वो पूरे कैंपस को विजिट कर रहे हैं, अलग अलग ऑफिस में जा रहे हैं, केस स्टडीज बना रहे हैं, जब उनको प्रोजेक्ट डेवलप करना है तो उस प्रोजेक्ट डेवलपमेंट के लिए वो पूरे पूरे ऑफिस में जाके, मतलब कि उनको जो काम यहाँ से बाहर निकलकर फिर फील्ड में समझ में आता, वो उनको पता ही नहीं चलता कि कैसे डे वन से, और सबसे बड़ी बात कि जिसके अंदर भी अवसर है वो कुछ करना चाहता है वो संवाद करता है। एक सॉरी मैं आपको डिस्टर्ब कर रहा हूँ, मतलब एक सॉफ्टवेयर डेवलपमेंट सेल कुछ बना हुआ है जहाँ पर बच्चा फील करता है इंडस्ट्री जैसा कुछ। मेरे ख्याल से बहुत शुरुआत से ये जानकारी में वो लोगों के, तो जो ईआरपी का डेवलपमेंट हुआ संस्कृत विश्वविद्यालय में, हम लोग खुद इस बात का गर्व करते हैं कि सर के मार्गदर्शन में, कि हम लोग ने शुरुआत से उसकी सिस्टम एनालिसिस डिजाइन एक तरफ हम लोग पढ़ते थे जी, तो दूसरी तरफ वो सॉफ्टवेयर डेवलपमेंट सेल के अंतर्गत वो पूरा का पूरा सिस्टम को एनालिसिस करना, पेपर वर्क करना, और फिर फर्दर उसकी प्रोग्रामिंग के लिए उसको आगे देना और मेंटेनेंस के लेवल पे देखना। और मैं आपको बता दूँ कि नवीन भाई की जो पूरा शांति गुंज है जी जी, किसी भी बहुत बड़े आईटी वेंचर को अगर आप देखो, उसके पास जितने काम होते हैं उतने काम ऑलमोस्ट व्यक्ति परिवार के अपने ही हैं, पूरे विश्व भर में इतने उसके पास एक अच्छा मौका है, तो ये जो स्टूडेंट है हमारा जब यहाँ पढ़ रहा होता है तो उसमें से जिस किसी ने भी प्रॉपरली उस चीजों को समझा तो उसने उसका इतना लाभ लिया है कि वो कहीं भी जाता है। मतलब मुझे अभी भी याद आता है कि एक स्टूडेंट अपना सोशल इंटर्नशिप का अनुभव शेयर कर रहा था कि वो एक सामान्य वेशभूषा में, चूंकि यहाँ पर एक बात आई है कि वो ऐसे ही एक सिंपलिसिटी देखिए, जो गुरुदेव ने कहा सिंपलिसिटी जो हमारी एक खासियत है, कि वो सोशल इंटर्नशिप में गया था कहीं प्रोग्राम कराने, और वो प्रोग्राम हो रहा था किसी एक अच्छे साइंटिस्ट के बीच जी जी, तो साइंटिस्ट के ग्रुप्स ने शुरू में यंग लड़कों को देखा कि धोती कुर्ता पहन के आए हैं, वो भी सफेद और पीला, तो उन्होंने थोड़ा सोचा कि ऐसे ही कुछ होंगे, कहीं कुछ ऐसी बात करेंगे पंडित जी जैसी जी। लेकिन वहां पर उस बालक ने पहले तो वैल्यूज की बात की, पहले तो बाकी बातें की, फिर उसने वहां पर आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस और साइबर सिक्योरिटी पर भी लेक्चर दे डाला, और वहां के बड़े बड़े साइंटिस्ट जो थे वो सोच के हैरान थे कि भैया हम आंख नहीं पाया। बहुत तो ऐसे हमारे शानदार विद्यार्थी यहाँ से तैयार, मतलब कि बच्चे के सामने पूरा स्कोप खुला हुआ है, वो जितनी अपनी प्रतिभा का विकास कर सकता है वो कर सकता है, उसके लिए उसके सामने सारे मौके हैं। सर इनके साथ में और भी कोई चीजें हैं जो, जैसे बच्चा एडमिशन लेता है बीएससी में, बीसीए में, एमएससी में, एमसीए में, तो उसको और क्या क्या एडवांस चीजें मिलती है इस प्रोग्राम में? मेरे ख्याल से एक सबसे पहला उसको अवसर मिलता है कि वो हमारे एलुमनाई से कनेक्ट कर सकता है जो इस समय इंडस्ट्री में फील्ड में, और उनके थ्रू वो इंडिविजुअल मेंटरिंग करके वो लेटेस्ट चीज़ें जान करके, क्योंकि उनके फीडबैक्स के आधार पर हम लोग भी बहुत अच्छे से चीज़ों को बच्चों के साथ शेयर करने की कोशिश करते हैं। उसके अलावा जो उसको अनुभव है और उसको शुरू से पूरा एक्सपोजर है कि आप अपने हर वेकेशंस में शुरू से ही अगर चाहें आप, तो आप प्रोफेशनल इंटर्नशिप के लिए कोई भी सहयोग हम लोग से ले सकते हैं, और उस दृष्टि से जो जो विद्यार्थी तत्पर दिखते हैं उनको शुरू से ही इंडस्ट्री का एक्सपोजर देने का पूरा प्रयास रहता है प्रोफेशनल इंटर्नशिप के थ्रू। और जो उसमें भी सबसे बड़ी बात है कि प्रोफेशनल इंटर्नशिप करना तो हर कोई चाहता है, ठीक है, लेकिन उसको शुरू में खुद को तैयार भी करना पड़ता है, तो इच्छा व्यक्त करने के बाद भी उसको वहाँ अगर लाइनअप करना है तो उसके लिए उसकी तैयारी क्या क्या चाहिए, तो उस तैयारी को करने के लिए उसको शुरू से हम लोग बहुत सहयोग करते हैं। मेरे ख्याल से उसके अलावा कुछ स्पेशलाइज मॉडुलर प्रोग्राम्स हैं जिसके बारे में चाहूँगा सर कुछ।
ठीक है नवीन सर, जैसे डॉक्टर साहब ने कहा कि लाइक यू नीड अ मेंटेलिटी इन ऑर्डर टू गेन समथिंग, अगर लीप बड़ी लेनी है तो पुरुषार्थ भी उतना करना पड़ेगा जी। तो कोर्स के रूप में तो बीएससी है ही है, बीसी है ही है, एमसी है, पर साथ में हर सेमेस्टर में जैसे कि जो हमारे यंग फैकल्टीज हैं वो एक एक टेक्नोलॉजी में ग्रूम हो गए। तो जैसे एआई का प्रोग्राम है तो डॉक्टर साहब चलाते हैं, ग्रीन कंप्यूटिंग पे है तो उसके लिए हमारे पास फैकल्टी है, क्लाउड पे हमारे पास फैकल्टी है, ब्लॉकचेन पे जैसे मैंने आपको कहा, अब हम सोशल इंटर्नशिप जो है सोशल इन्फॉर्मेटिक्स पे भी एक प्रोग्राम लेके आ रहे हैं। तो इन टेक्नोलॉजी से जब बच्चा इक्विप्ड होता है, साथ ही साथ हमारे पास एक खूबसूरती है कि हम बच्चों को विभिन्न टेक फेस्ट में भेजते हैं बाहर, तो जब वो अन्य यूनिवर्सिटीज़ में जाता है उनके साथ कम्पीट करता है, प्राइज लेके आता है, पीछे प्राइज देख सकते हैं जी, जी, उन बच्चों के हाथ में जब आते हैं तो उनके चेहरे की जो मुस्कान है वो बढ़ जाती है। तो एक्सपोजर ऑफ द यूनिवर्सिटी विद इन द कैंपस, एक्सपोजर इन द इंडस्ट्रियल ट्रिप, एक्सपोजर फॉर दी जिसे आप कह सकते हैं कि जब इंस्टीट्यूशनल कॉम्पिटिशन्स होते हैं है ना, विभिन्न लेवल पे वो जब अपने आप को बी टेक एम टेक के बच्चों के साथ कम्पीट करते हैं तो वो चीज़ें हम बच्चों को यहाँ पे एड ऑन कर रहे हैं। तो उन सभी बच्चों का यहाँ पे स्वागत है, आप किसी भी कोर्स में आइए, चाहे डिपार्टमेंट के बी एस सी में आइए, बी सी ए में आइए, एम सी ए में आइए या पी एच डी करने आइए, ये चीज़ें तो आपको एड ऑन मिलेंगी। और सबसे महत्वपूर्ण है ना, परम पूज गुरुदेव और वंदी माता जी का आशीर्वाद, जिसकी बदौलत वो जिंदगी में कहीं भी नहीं, डॉक्टर साहब कह रहे थे एल्यूमिनाई, एल्यूमिनाई हमारी पहचान है ना, आज भारत के विभिन्न जगहों पर हमारे एल्यूमिनाई विभिन्न अच्छी इंस्टीट्यूशन में जगह होल्ड कर रहे हैं, पोजीशंस होल्ड कर रहे हैं एंड दे आर ऑन द टॉप पोजीशंस। तो मैं तो ऐसे सारे एल्यूमिनाई का भावभरा स्वागत भी करता हूँ और उनसे ये रिक्वेस्ट करता हूँ कि दिस इज देयर इंस्टीट्यूशन, बी अ पार्ट ऑफ इट, ट्राई टू नर्चर इन एज मेनी वेज एज यू कैन। और सबसे महत्वपूर्ण बात है विद्यार्थियों में होना चाहिए कि जो हमारे एलुमनाइज हैं उनके प्रति कृतज्ञता का भाव होना चाहिए, क्योंकि आज वो है तो डिपार्टमेंट है, आज वो है तो हमारी सबकी एक मुस्कान हमारे चेहरे पर बढ़ जाती है, क्योंकि किसी भी आचार हम सब तीन आचार बैठेंगे, हम सब की सोच ये होती है कि हमारे विद्यार्थियों से हमारी पहचान हो। तो जब बच्चे बताते हैं ना खुशी खुशी कि सर हमें ये मिल गया, हमें ये मिल गया, तो मन को जो भाव होता है ना उसे डॉक्टर साहब शब्दों में नहीं कहा जा सकता। बिल्कुल सही बात है सर, मेरे ख्याल से एक जो बहुत इनोवेटिव काम है वो फेलिसिटेशन, फेलिसिटेशन बिल्कुल, मेरे ख्याल से बच्चों को रीइन्फोर्समेंट पॉजिटिवली देने के लिए हर सेमेस्टर एंड पे एकेडमिक्स में जिसने अच्छा किया। और दूसरी चीज़ सबसे अच्छी क्या है कि हम लोग चूंकि ओवरऑल ग्रूमिंग की बात करते हैं तो हम लोग डिपार्टमेंट लेवल पे बच्चों की हॉबीज को आइडेंटिफाई करके उनको ये पुश करते हैं कि आपकी पर्सनैलिटी डेवलपमेंट या फ्यूचर में आप बहुत अच्छे प्रोग्रामर बन जाओगे, लेकिन अपनी हॉबीज को परस्यू करो और उसको प्लेटफॉर्म देकर के विश्वविद्यालय के डिफरेंट प्लेटफॉर्म्स में आगे लाना, दूसरा वहां पर उसका प्रोत्साहन, और दूसरी बात डिपार्टमेंट के अंदर जो कुछ भी अगर किसी ने पॉजिटिवली अच्छा किया है तो उसको फेलिसिटेट करना, ये एक बहुत अच्छा प्रयास विद्यार्थियों के लिए किया जाता है और निश्चित रूप से उससे विद्यार्थी बहुत लाभान्वित होते हैं। तो चलिए एक समय का हम लोगों को ध्यान रखते हुए आगे देखते हैं कि ये जो एक बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट है कि एजुकेशन हो गई, मॉडल हो गया, उद्देश्य हो गए, प्लेसमेंट ये एक ऐसा बिंदु है जिसमें हर बच्चा जो है अंत में आके पूछता है। तो डिपार्टमेंट ऑफ कंप्यूटर साइंस में प्लेसमेंट के लिए क्या गतिविधियाँ हैं, मैं सर से जानना चाहूँगा किस तरीके से। प्लेसमेंट से पहले तो हम उन्हें ना इंटरनेशनल मेंटर प्रोग्राम से गुजारते हैं। सबसे महत्वपूर्ण बात क्या है डॉक्टर साहब की, जो हमारे पास उपलब्ध है वो तो ठीक ही है जी, पर दुनिया में बहुत कुछ अच्छा हो रहा है जी। तो हर साल डिपार्टमेंट ऑफ कंप्यूटर साइंस इंटरनेशनल मेंटर प्रोग्राम कराता है, उसमें कि बाहर के प्रोफेसर यहाँ के रहते हैं, बच्चों को नर्चर करते हैं और ये फैकल्टीज के साथ भी गुजारते हैं समय। तो हमारे फैकल्टीज भी उस चीज़ से एक्सपोज होते हैं कि अरे इस चीज़ को हम ऐसे भी कर सकते हैं, पढ़ाने की टेंडेंसी अलग हो सकती है, कल्चर अलग अलग हो सकता है, पर टेक्नोलॉजी तो ऑलमोस्ट एक ही है। जहाँ तक आपने प्लेसमेंट की बात पूछी, तो प्लेसमेंट के लिए कंपनी जो यूनिवर्सिटी है उसका जो बेसिकली प्लेसमेंट सेल है, हमारे पास भी कंप्यूटर साइंस में एक टीम है जो इसको बड़ी गंभीरता से करती है, बिकॉज जिसे उन्हें ये लगता है कि वो उनके अपने बच्चे हैं जी। अगर हम प्लेस नहीं करेंगे तो कौन करेंगे। और आपको बताते हुए मुझे हर्ष है कि एमसीए में इस बार हमारे पास बच्चों के 100% प्लेसमेंट है ना। आप ऐसे मान सकते हैं कि एक एक बच्चे के पास दो या तीन जॉब थे, मतलब उनके पास चॉइस थी कि वो इसमें जाए चाहे उसमें जाए, लेकिन समय के साथ धीमे धीमे बदल रही है। इन हाउस तो लोग आ ही रहे हैं, पर हमारे बच्चे ज़्यादा, चूंकि स्टूडेंट्स की संख्या थोड़ी सीमित होती है और इतनी बड़ी संख्या होने पर ही बाहर की कंपनी आती है, तो हम स्टूडेंट्स को बाहर भेजते हैं। इस बार तो ग्रेजुएशन में भी प्लेसमेंट हुआ है, आप ऐसे देख सकते हैं कि बीएससी बीसीए के बच्चे जो अभी डॉक्टर साहब उसको एड ऑन करेंगे, एक लड़की टीसीएस में गई है ना, इस बार इंफोसिस में चार बच्चों का सिलेक्शन हुआ है, प्रोमिनेंट जो आईटी कंपनीज है उसमें बच्चों को प्लेसमेंट मिल रहा है।
तो ये नहीं है, गुरुदेव ने तो बार बार कहा कि बेटा पैकेज लेके क्या करोगे, जिंदगी को जीना बेहतर सीख जाओ तो शायद अपनी जिंदगी को जहां रहोगे। मैं ये नहीं कहता कि बच्चों को जॉब नहीं करना चाहिए, जरूर करना चाहिए, उनके अपने सपने उन्हें पूरा करना चाहिए, पर सच्चाई क्या है कि आप नॉलेज को अपने जीवन में इंकॉर्पोरेट भी करिए ताकि वर्क प्रेशर, डेडलाइन, है ना, कॉर्पोरेट जो रिस्पॉन्सिबिलिटी है, सोशल रिस्पॉन्सिबिलिटी है, उसके साथ भी कंधे से कंधा मिला करके चलें। तो बच्चे आ रहे हैं, बच्चों के साथ उनकी तैयारी भी की जाती है, जैसे सेमेस्टर MCA में आ गए, आप जी BCA में हैं, तो फ्रॉम डे वन लाइक बहुत से हमारे प्रोमिनेंट टीचर्स हैं, डॉक्टर गोपाल, डॉक्टर नवीन या चंद्रशेखर सर, पार सर, तो इनके बीच में क्या है कि होड़ है कि हम कैसे अपने बच्चों को और बेहतर बनाएं। जैसे एक स्टूडेंट पे 4 मिनट काम करें ना, तो अपने आप ही उनको मजबूरी में वो अलाइन हो जाते हैं। ऐसे नहीं, बच्चे जैसे डॉक्टर ने पहले भी कहा कि बच्चे हर तरह के आते हैं ना, और हमारी सोच क्या है कि कई बच्चे ऐसे भी होते हैं जो डे वन या यूनिवर्सिटी में आते हैं तो अंग्रेजी का आ नहीं बोल पाते हैं, और जब फाइनल ईयर में आते हैं तो इतनी बेहतर अंग्रेजी बोलते हैं, तो कई बार देख करके आश्चर्य लगता है कि शायद ऋषि चेतना तो अपने आप में काम कर ही रही है, पर मेरे आचार्यों की मेहनत भी कम नहीं है। मैं इस बात को बड़े गर्व से कह सकता हूँ कि डिपार्टमेंट ऑफ कंप्यूटर साइंस सिर्फ सीनियर मैनेजमेंट से नहीं है, उसमें एक एक आचार्य, एक एक विद्यार्थी का अपना रोल है, और उन दोनों के बीच में जो बेटर केमिस्ट्री है ना, शायद इसी वजह से डिपार्टमेंट ऑफ कंप्यूटर साइंस अपने को एक बेहतर मुकाम में प्रस्तुत कर सकता है। आप इसमें कुछ ऐड करिए डॉक्टर। मेरे ख्याल से सर जो ये पॉइंट सबसे इम्पोर्टेंट है कि प्लेसमेंट के पहले जो ट्रेनिंग का भी एक पार्ट है, क्योंकि हम लोग ने ये चीज़ देखा है, जैसे सर ने मैंशन किया है कि जो डिफरेंट डाइवर्सिफाइड बैकग्राउंड से बच्चे आते हैं, एक हेट्रोजीनियस क्लास आपको मिलती है, जहाँ पर उस हेट्रोजीनियस क्लास में हर किसी के लेवल में एक बहुत शानदार एक हेट्रोजीनिटी है जी। और उस हेट्रोजीनिटी के बीच में कैसे वन ऑन वन आप सबको एड्रेस करते हैं और प्रॉपर उनको ट्रेनिंग दे करके, चाहे उनकी कम्युनिकेशन स्किल की बात हो, चाहे उनके सॉफ्ट स्किल की बात हो, चाहे उनके ओवरऑल पर्सनैलिटी डेवलपमेंट की बात हो, इंटरव्यूज की बात हो, रिटन टेस्ट की बात हो, प्लेसमेंट के कई ड्राइव्स की बात हो, मतलब बहुत ही अच्छे से इस बात को हम लोग कह सकते हैं कि बच्चे के लेवल में क्या शानदार ग्रोथ होती है। और वो लेवल है जैसे जो प्रीमियर इंस्टीट्यूशंस होते हैं, यहाँ पर एक चीज़ आपको बहुत गहराई से समझनी होगी कि प्रीमियर इंस्टीट्यूशंस में एक बॉटल नेक है। क्या बॉटल नेक है कि इफ यू आर एट दिस लेवल ओनली देन यू कैन गेट इनटू इट एंड यू आर अल्टीमेटली ऑन द टॉप, और वहां से फिर आपको किसी को प्लेसमेंट देना है तो उसको क्या करना है, आप खुद में भी सिंसियर हो, आपके पास अच्छे मार्क्स हैं, आपके पास अच्छा स्किल है और आपको वहां से प्लेसमेंट मिल गया। लेकिन दूसरी ओर इस रियलिटी को आप देखिए कि एक ऐसा संस्थान है जो देश के हर बच्चे को अवसर देना चाहते हैं। We are not here to reject students. We are here to select student and we are here to take the responsibility कि आओ हम आपको और आगे बढ़ाएं। तो यहाँ पर जो आपको बच्चा मिलता है, हो सकता है वो बिल्कुल 99% लेके नहीं आया हो और वहाँ पे percentage level उसके first division से भी कम का हो या उससे भी कम का हो, लेकिन अगर उसने कहीं ना कहीं एक entrance exam qualify करके किसी, क्योंकि हम सिर्फ और सिर्फ marks को ही सब कुछ मान के सब कुछ नहीं चलते, हमको उसकी ओवरऑल पर्सनालिटी में चीजें देखी, हो सकता है किसी सिचुएशन में उसके मार्क्स अच्छे ना और ट्वेल्थ में, लेकिन उसके बाद भी क्या उसके साथ वो मौका उसको फिर नहीं मिलेगा जिंदगी में आगे बढ़ने में, और वो मौका देने वाला एकमात्र अद्भुत संस्थान है देव संस्कृत विश्वविद्यालय, जहां पर बच्चे को ये नहीं कि तुम पहले से तैयार हो तो हमारे यहाँ जाओ हम तुमको जो है प्लेसमेंट दिखा रहे, तुम तैयार नहीं भी हो जी लेकिन तुम चाहते हो और हम देखते हैं कि तुम्हारे अंदर अगर हमने तुम्हारा हित किया तो तुम्हारे माध्यम से तुम्हारे गाँव में, घर में, परिवार में खुशहाली आएगी। तो एक से एक कहानी है नवीन सर, जिसको कि इतने कम समय में व्यक्त नहीं किया जा सकता, लेकिन एक एक स्टूडेंट जी, आज भी आपका स्टूडेंट जो गांव में अभी सिचुएशन में है, वो गांव में रह करके एक और लोगों को कंप्यूटर सिखा रहा है, वो अच्छी कंपनी में जॉब करता है, क्या जरूरत है उसको गांव जाने की, क्या जरूरत है वहाँ गाँव के बच्चों को कंप्यूटर सिखाने की। लेकिन ये देव संस्कृत विश्वविद्यालय का विद्यार्थी है जो कि बड़ी से बड़ी रिजॉर्ट में, बड़े से बड़े कंपनीज में, सॉफ्टवेयर कंपनी में काम करते हुए भी गाँव जब जाता है तो वहां पर वो आराम से नहीं बैठता, उसको सोशल इंटर्नशिप करने की आदत लगी हुई है, उसको समाज सेवा करने की आदत लगी हुई है, और उसके जो अंदर का सेटिस्फेक्शन है, हमारे यहाँ के स्टूडेंट जिस भी ऑफिस में हैं वहाँ के लोग अपने आप में एफिशिएंट बन जाते हैं, क्योंकि हमारा स्टूडेंट उस इंटीग्रिटी और ईमानदारी के साथ अपने काम को डिलीवर करता है कि अगर वो काम एक दिन में 3 घंटे में हो सकता है तो कहता है 2 घंटे में करके दिखाऊंगा सर और मेरे को और काम दो, क्योंकि वो लाइफ लॉन्ग लर्नर बन के जाता है। तो ये चीज है, ये खासियत, मतलब आप महसूस भर कह सकते हैं, कर सकते हैं, और आप महसूस कर सकते हैं कि हम लोग के अंदर जो वो प्राउड फीलिंग है इस इंस्टीट्यूशन के प्रति, हमारे टीचर्स के प्रति, हमारे स्टूडेंट्स के प्रति, दिस इज ड्यू टू दैट रीजन वी हैव सो मेनी सक्सेस स्टोरीज व्हिच इज वेरी डिफरेंट। बहुत ही अच्छा है। और ये जैसे कई सारी बातें निकल कर आई प्लेसमेंट को लेकर, तो क्या कुछ बच्चे ऐसा है कि जिन्होंने अपना खुद का सेटअप एस्टेब्लिश किया है
और हम लोगों के या कंप्यूटर साइंस डिपार्टमेंट के टच में हैं, कुछ जिन्होंने अपनी खुद की ही कंपनी इस्टेब्लिश कर ली है, कुछ इस तरीके के भी एग्जांपल्स हैं आई थिंक। मेरे ख्याल से यंग स्टूडेंट्स इतने सारे हैं कि आपको मैं कहूँ कि, और जब उनका वर्क प्रोफाइल देखेंगे ना, यू विल बी सरप्राइज्ड। जी, 21st सेंचुरी के जो स्किल्स हैं जी, उसमें कोलेबोरेशन को लेकर के, नाउ दे आर कोलेबोरेटिंग, बिकॉज जब वो देव संस्कृत विश्वविद्यालय में पढ़ते हैं तो यहाँ पढ़ते समय उनके साथ कोई योग का स्टूडेंट पढ़ रहा है, कोई रूल मैनेजमेंट का पढ़ रहा है, कोई साइकोलॉजी का पढ़ रहा है, कोई थियोलॉजी का पढ़ रहा है, कोई जर्नलिज्म का पढ़ रहा है, कोई मैनेजमेंट का पढ़ रहा है, कोई टूरिज्म का पढ़ रहा है, तो वो यहाँ पर पढ़ते पढ़ते इतने विकसित होते हैं कि जब वो फील्ड में जाते हैं ना, तो फील्ड में जाकर के आज हमारे कई स्टूडेंट ऐसे हैं जो अपने एलुमनाइज के साथ मिल करके बहुत ही शानदार स्टार्टअप वेंचर्स पे काम कर रहे हैं। और आप क्या गजब का अनुभूति होगी आपको कि वहां पर स्टूडेंट कोई टूरिज्म में कुछ करना चाह रहा है तो उसको यही का एल्यूमनाई है जो उसको वेबसाइट बनाने में सपोर्ट कर रहा है, ऐप बनाने में सपोर्ट कर रहा है। तो इस तरीके से चाहे योग के फील्ड में कोई काम कर रहा है तो उसको हमारा कंप्यूटर साइंस का स्टूडेंट है जो उसको सपोर्ट करके उसको पूरा एक तरीके का प्लेटफॉर्म दे रहा है, उसको समझ भी है, मुझे लगता है यहाँ का बच्चा है तो योग भी जानता है और मास कम्युनिकेशन भी जान रहा है, टूरिज्म का भी है। तो आई थिंक अगर उसको वेबसाइट डेवलप करना है तो शायद कस्टमर को उतना दिमाग नहीं लगाना होगा कि भाई ऐसा ऐसा करना है, उसको पता है कि हाँ टूरिज्म में ऐसा ऐसा होगा, योग में इस तरीके से होंगी। तो ये काफ़ी अच्छी चीज़ें निकल कर आई। फ्यूचर प्लान्स के बारे में अगर हम लोग बात करें तो डिपार्टमेंट ऑफ कंप्यूटर साइंस किन किन फ्यूचर प्लान्स को लेकर अभी आगे बढ़ने की तैयारी में है, सर के माध्यम से मैं जानना चाहता। बिल्कुल ठीक है रविंद्र सर, कि फ्यूचर तो हमेशा ब्राइट जी है ना, प्रेजेंट पोजिशन ने कहा 21st सेंचुरी ब्राइट फ्यूचर। जी जी जी, देव संस्कृति विश्वविद्यालय का जब इतिहास लिखा गया था जी, तो यही लिख दिया गया था कि श्रेष्ठ मानव को गढ़ने की टकसाल बन गई है, और उसमें जो पुरोधा काम कर रहे हैं, जो अभी वर्तमान में आपको भली उम्र में कम दिखे पर उनके अंदर मादा जो है वो जोश खरोश और उत्साह के साथ है कि वो गढ़ने की टकसाल के रूप में स्वयं तैयार हो रहे हैं। एक एक आचार्य को आप अगर आश्रम देख लें तो उसके अंदर इतनी आग है कि मुझे श्रेष्ठ इंसानों को गढ़ना है। तो ये युवाओं की वो टकसाल है जो भविष्य को बेहतर देगी। टेक्नोलॉजी पर्सपेक्टिव से जरूर हम कुछ नए चीजें करने के प्रयोग में, जैसे अगर अगले दिनों आपको ऐसा मिलेगा कि हम एक इंटरनेशनल डिप्लोमा शुरू कर रहे हैं जी। वो इंटरनेशनल डिप्लोमा ऐसा होगा कि 9 महीने बच्चा देव संस्कृति में पढ़ेगा, 3 महीने किसी विदेश यूनिवर्सिटी से। तो 3 यूनिवर्सिटीज के अंदर ऐसा हमारे साथ चर्चा चल रही है और परमादरणीय प्रतिकुलपति जी के साथ हम इसको वर्कआउट कर रहे हैं। तो जल्दी आपको इंटरनेशनल डिप्लोमा भी यहाँ पे उपलब्ध होगा डिपार्टमेंट ऑफ कंप्यूटर साइंस में। साथ ही साथ अब जो नए कोर्सेज आ रहे हैं जैसे ब्लॉकचेन पे है ना, न्यू ट्रेंड्स इन टेक्नोलॉजी पे या फ्यूचरिस्टिक टेक्नोलॉजीज पे डिपार्टमेंट कोर्सेज ला रहा है ना, कुछ हम लोग ये भी सोच रहे हैं कि हम इवनिंग कोर्सेज चलाएं लोगों के लिए, ताकि जैसे होते हैं ना वर्किंग प्रोफेशनल्स के लिए, तो इसमें डॉक्टर साहब भी ऐड करेंगे कि वर्किंग प्रोफेशनल्स के लिए चाहे हम AI पे नया कोर्सेज लाने की बात सोच रहे हैं, फजी पे कुछ लोगों की मांग है, इंडस्ट्री 4.0 एंड 5.0 दोनों की डिमांड इन दोनों हमसे लोगों ने रिक्वेस्ट की है। तो एक सोच ये उभर रही है कि क्या हम MSc इंडस्ट्री 5.0 पर ला सकते हैं क्या अगले दिनों। तो विश्वविद्यालय के नए कोर्सेज तो आएंगे आएंगे, कोर्सेज लाना महत्वपूर्ण ही रख सकता, फ्यूचर में हमारे पास कितने बेहतरीन आचार्य तैयार हुए, कितने इंटरनेशनल मोटिवेशन के साथ में अनेक यूनिवर्सिटीज में हमारे प्रोफेसर स्टैब्लिश हुए, वो हमारे लिए प्रोमिनेंट है। कहीं ना कहीं एक इंस्टीट्यूशनल चेयर भी डेवलप करने की बात है, ताकि हमारे पास सिर्फ हमारे लोग बाहर ना जाएं, हमारे पास बाहर के लोग आकर के काम भी करें। तो डिपार्टमेंट ऑफ कंप्यूटर साइंस भी एक चेयर डेवलप कर रहा है जिसमें कि हम कुछ फंड रखेंगे और बाहर से क्वालिटी रिसर्च स्कॉलर्स को यहाँ बुलाएंगे, वो टीचिंग भी करेंगे, वो रिसर्च भी करेंगे, फैकल्टीज के साथ भी ग्रूम होंगे। जैसे सर ने कहा कि हेटेरोजीनियस तो है ही है, पर अब ये हो जाएगा ना कि समस्त विश्व को अज्र अनुदान। तो ये विषय जो विजन है ना परम पूज्य गुरुदेव का, शायद ये यूनिवर्सिटी का भी और यही डिपार्टमेंट का भी है। जैसे माननीय प्रतिकुलपति जी को देख लें कि आप देश के विश्व के विभिन्न कोने कोने में जाकर उन्होंने MOU किए, वहाँ से स्टूडेंट्स को यहाँ पे लाए, तो डिपार्टमेंट को भी एक विजन के साथ करना है। चूंकि आप सब जो है नई पौध है हमारी है ना, जिनके बदौलत ये डिपार्टमेंट अगले दिनों आगे बढ़ेगा। तो मुझे तो ऐसा पूरा विश्वास है कि आने वाले दिनों में नए नए फैकल्टीज इसको ज्वाइन करेंगे, वो विभिन्न ट्रेंड्स को करेंगे और हम मॉड्यूल वाइज अपने आप को तैयार कर लेंगे। किसी AI का एक परफेक्ट मॉड्यूल हो गया, सोशल अक्सर ने देख लिया है ना, ग्रीन कंप्यूटिंग पे हुआ था एक ने देख लिया, ANN पे एक ने देख लिया, सोशल इन्फॉर्मेटिक्स पे ऐसे देख लिया। तो विजन विद अ डिफरेंस, हमें सिर्फ उत्तराखंड में अपनी पहचान नहीं बनानी, हमें पहचान बनानी है विश्व के धरातल पे। तो सबसे महत्वपूर्ण बात जो मुझे अपने फैकल्टीज के अंदर दिखती है कि एक आग होनी चाहिए बदलाव की, और वो आग ही हम सबको, और आशीर्वाद तो नहीं है ना,
आप ऐसा नहीं कर सकते कि गुरुजी माताजी का आशीर्वाद आपके साथ नहीं है। हम में से यहाँ कोई भी बैठा हुआ है, हर एक के अंदर एक ही भाव है कि हमें अपने गुरुदेव के लिए कुछ बेहतर करना है। तो उस सोच के साथ जब हम चलते हैं तो फ्यूचर तो अपने आप ही कदम मिलाता है ना। कहते हैं कि आगे अगर आप देखना सीख जाइए तो ना नियति अपने आप ही नतमस्तक हो जाती है। और यही भाव शायद हम सब के अंदर, आप इसमें कुछ ऐड कर सकते हैं डॉक्टर साहब? बेसिकली जैसे सर ने कहा कि मतलब कुल मिला के स्पेशलाइजेशंस की ओर जाने का, और स्पेशलाइजेशंस की ओर जाने के साथ साथ बार बार वही बात हम लोग कहेंगे कि जो स्टूडेंट अभी शुरुआत जिसने की है जी, जो अभी कंप्यूटर साइंस के बेसिक्स प्रोग्रामिंग को सोच रहा है जी, हम लोग उन बड़ी बड़ी टेक्नोलॉजीज, वो जो जार्गन्स होते हैं ना जिसको लेकर के कभी कभी लोग सोचते हैं कि मतलब क्या ये हम कर सकते हैं, मतलब पिछले कई महीनों से हम लोग इस बारे में गहराई से कार्य कर रहे हैं कि आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस हो चाहे लेटेस्ट जितनी भी टेक्नोलॉजीज हो, उसको पूरे विश्व के इंस्टीट्यूशंस पढ़ा रहे हैं। तो अगेन वी हैव टू लुक कि वो पढ़ाया किसको जा रहा है। वो कोशिश तो है कि जनरल मासेस को पढ़ाया जाए, लेकिन जनरल मासेस के लेवल पे आकर के पढ़ाने की सोच को लेकर के देव संस्कृत विश्वविद्यालय एक पाथ ब्रेकिंग कार्य कर रहा है, और हम लोग उस स्पेशलाइजेशंस को एक जेनरिक वे में वी आर वर्किंग इन दैट डायरेक्शन अलॉन्ग विद दैट स्टूडेंट के ओवरऑल डेवलपमेंट, होलिस्टिक डेवलपमेंट। ये कीवर्ड जो है ना, ये आप एजुकेशन का पर्पस अगर कहीं भी देखेंगे जी, तो उस राइट पर्पस के लिए जो भी दुनिया के अच्छे से अच्छे लोगों ने, चाहे स्वामी विवेकानंद हो, चाहे अल्बर्ट आइंस्टीन हो, चाहे परम पूज्य गुरुदेव हो, चाहे महर्षि अरविंदो हो, जिन्होंने भी एजुकेशन के पर्पस की बात की है जी, इफ यू लुक एट द मिशन विजन एम्स एंड ऑब्जेक्टिव ऑफ देव संस्कृत विश्वविद्यालय एंड आवर ब्रांड आवर स्टूडेंट्स, आप ये मानेंगे और आप हर किसी के अनुभव से जानेंगे कि हम लोग वो संस्थान है जो कि अपने स्टूडेंट के ब्रांड के माध्यम से जाने जाते हैं, जहाँ पर अभिव्यक्तियाँ जो है हम लोग खुल के कभी ज़्यादा नहीं देते, लेकिन हमारे विद्यार्थियों का बदला हुआ जीवन और उनके खुद के अनुभव अपने आप में बताते हैं कि इस देव संस्कृत विश्वविद्यालय में रह करके उनका समग्र व्यक्तित्व और बहुत लंबे समय के लिए एक पूरी सोच जो जीवन के उद्देश्य को हासिल करने के लिए, और इसके साथ साथ जो एक मजेदार चीज़ है कि वो जब यहाँ रहता है तो वो टीचिंग को इतना एंजॉय करता है कि वो यहाँ के को करिकुलर एक्टिविटीज को ले लीजिए, चाहे उत्सव जहाँ वो स्पोर्ट्स कर रहा है, चाहे वो उसके टैलेंट को, आप यहाँ समझिए कि देव संस्कृत विश्वविद्यालय का नारा रहता है कि भाई अपने साथी के अंदर छिपे हुए टैलेंट को तो बाहर लेकर के आएगा, क्या टीम वर्क वो सीखता है, क्या अद्भुत तरीके से वो अपने साथी को आगे बढ़ाता है। मेरे ख्याल से आप कंप्यूटर साइंस के एलुमनाई से संपर्क कीजिए, वो आपको बताएंगे कैसे इंट्रोवर्ट जो सबके सब उनके कई सारे इंट्रोवर्ट फ्रेंड्स थे, कैसे उन्होंने उनको मृत्युंजय ऑडिटोरियम के इस बड़े इंटरनेशनल मंच पर वो साथ में मोटिवेट करके ले गए, और कई सारे तरीके से मतलब दे आर डूइंग इट लाइक, चाहे वो खेल का ग्राउंड हो चाहे वो स्टेज हो, और यही सब करते करते वो अपनी जिंदगी में कैसे वो शानदार तरीके से खिलाड़ी भाव से जिए, और कई ऐसी चीजों के माध्यम से बड़ा होलिस्टिक रूप में, चाहे वही उत्कर्ष हो, उन्नयन हो, उत्सव हो, अभ्युदय हो, और उसके अलावा जो जब वो भारत में अलग अलग जाते हैं, विदेश में अलग अलग जाते हैं, जो हमारे ऑलवर्ल्ड गायत्री परिवार का जो नेटवर्क यूथ ग्रुप्स हैं, डिवाइन इंडिया यूथ एसोसिएशन है, और उनके साथ मिलकर के फिर वो चाहे वृक्षारोपण की बात हो, चाहे नदी स्वच्छता की बात हो, चाहे प्रोफेशनल वर्क प्लेस पे स्पिरिचुअलिटी की बात हो, प्रेजेंटेशंस के माध्यम से, स्वाध्याय के माध्यम से, बच्चे ये रिवॉल्यूशन पैदा कर रहे हैं जिसको कि जो देख सकता है वही देख सकता है, और जो देखेगा वो गर्व करेगा कि भाई वाह ऐसा भी कुछ हो रहा है। मतलब सुनकर ही एक अच्छी सी फीलिंग आ रही है, और बहुत बहुत धन्यवाद सर, बहुत बहुत धन्यवाद आपका सर, क्योंकि आपका एक अमूल्य समय हमने यहाँ पर इस चर्चा में लिया, लेकिन इस चर्चा का होना बहुत ज़रूरी था ताकि विद्यार्थियों को ये पता चले कि एक ऐसा संस्थान, एक ऐसी जगह, एक ऐसा प्लेस जहाँ पर केवल टेक्नोलॉजी ही नहीं है, टेक्नोलॉजी के साथ में जो व्यक्ति के व्यक्तित्व का विकास करे, समग्र विकास की जैसे सर ने बात किया, और लेटेस्ट टेक्नोलॉजी को लेकर आगे बढ़ने की संस्था है वो देव संस्कृति विश्वविद्यालय है। बहुत कुछ है, जैसा कि मैंने विजिट भी किया है, वेबसाइट्स विजिट की हैं, बच्चों से मिला हूँ, बहुत सारी सक्सेस स्टोरीज हैं, बहुत सारी प्रोग्रेसेस हैं जो कि इस चर्चा में हम लोग नहीं कवर कर पाए, लेकिन आपको बहुत ज़्यादा जैसे जानकारी लेनी है तो आप हमारी जो वेबसाइट है देव संस्कृति विश्वविद्यालय की www.dsvv.ac.in आप इसको विजिट कर सकते हैं। हमारे यहाँ पे जो अभी कोर्सेज हैं वो बीएससी आईटी है, 3 साल का कोर्स है, और बैचलर ऑफ कंप्यूटर एप्लीकेशन 3 इयर्स प्रोग्राम्स हैं, हमारे यहाँ 3 इयर्स एमसीए लेटरल इंट्री प्रोग्राम्स भी है 2 इयर्स में, और साथ ही साथ पीएचडी रिसर्च प्रोग्राम्स हमारे यहाँ करंट में अभी चल रहा है। जैसे कि फ्यूचर स्कोप्स की हमने बात किया था, तो कई नए प्रोग्राम्स, लेटेस्ट प्रोग्राम्स जो आने वाले हैं इन फ्यूचर, वो आपके सामने जल्दी ही दिखेंगे, आपको इसकी भी जानकारी www.dsvv.ac.in पर मिल जाएगी।
और आपकी कुछ भी इस तरीके के क्वेश्चंस हैं तो आप हमारे कॉन्टैक्ट बॉक्स में बिल्कुल ईमेल कर सकते हैं, मैसेज कर सकते हैं। जैसा कि पूरे डिस्कशन से मुझे जो समझ में आया इस चर्चा से, ये निकल कर आया कि यहाँ का जो शिक्षक है वो बिल्कुल विद्यार्थी के जीवन के साथ में जुड़कर काम करता है। एक विद्यार्थी और शिक्षक के बीच में जो संबंध है वो बहुत ही फैमिलियर है, पारिवारिक संबंध है। जिसमें एक यहाँ पे अंत में एक बात जो आप एंड कर रहे हैं, जो भी ये बात बोली थी मेरे को बात याद आ गई जी। नवीन जी, आज कोई भी संस्थान विश्व में बहुत बड़ा नाम कमा रहा है, उसका इतिहास अगर आप देखें तो उसका इतिहास 100 साल, 200 साल, 400 साल, 500 साल का होता है जी। और ऐसे सभी संस्थानों में हम सभी का अभिनंदन करते हैं, क्योंकि इंटेलिजेंशिया इंटरनेशनल एक्सपोजर लेकर के भी वहाँ आता है। लेकिन उस संस्थान में अगर वहाँ के एल्यूमिनस, वहाँ के एल्यूमिनाई जो आरंभ से उस इकोसिस्टम को समझें जी, और उस भाव को लेकर के जब वहां से जुड़ते हैं जी, तो किसी भी आज के समय में सक्सेसफुल संस्थान जिसका इतिहास 500 सालों का है, हम 500 साल जाके पहले हमने नहीं देखा है जी, लेकिन अगर वहां पे आरंभ में वही के एल्यूमिनाइज ने अगर अपनी सर्विसेज दी हैं जी, तो उन्होंने उस सिस्टम को समझ करके विश्व की बेहतरीन चीजों को वहां पर ग्रो किया है और बाहर से इंटेलिजेंशिया के साथ फ्यूचर को बेहतर किया है। देव संस्कृत विश्वविद्यालय की एक ही अद्भुत खासियत, और इस खासियत के साथ एक और मजेदार चीज जो बिल्कुल कहते हैं ना, जैसे लास्ट का सरप्राइज पैकेज बचा हुआ है, बिल्कुल बिल्कुल मैं कह सकता हूं कि अगर यहां पर यहां के विद्यार्थी को अगर आप देख लें जी, तो वो अगर यहां रहता है तो उसे मन को शांत करना आता है, वो अगर यहाँ रहता है तो उसे खुश रहना आता है, अगर वो यहाँ रहता है तो उसे अपने गुस्से को कंट्रोल करना आता है, वो यहाँ रहता है तो स्ट्रेस को मैनेज करना आता है, वो यहाँ रहता है तो उसको एक्यूप्रेशर, एक्यूप्रेशर, प्राणी घिली, एक्यूपैथी, म्यूजिक थेरेपी, और अब इसमें अंत में आप ही को कहते हैं कि किस प्रकार से आपने जो है शुरुआत से ही सर के मार्गदर्शन में कि कैसे योग और कंप्यूटर साइंस को मिला करके आज आप एक बहुत सक्सेसफुली एक टेक्नो योगी के रूप में भी कार्य कर रहे हैं। तो मेरे ख्याल से ये मॉडल सरप्राइज था, और यहाँ का देव संस्कृत विश्वविद्यालय का विद्यार्थी, ये सबसे बड़ी चीज है कि दुनिया में अगर आपको कहीं ऐसा मिले तो आप जरूर बताइएगा कि देव संस्कृत विश्वविद्यालय का कंप्यूटर साइंस का विद्यार्थी जो प्रोफेशनली कंप्यूटर साइंस के फील्ड में बहुत अच्छा कर रहा है, लेकिन उसके साथ साथ कई हमारे विद्यार्थी ऐसे हैं जो मॉर्निंग इवनिंग योग की क्लास लेके प्रोफेशनली अर्न करते हैं, और वहीं दूसरी ओर अपने रेगुलर टाइम में कंप्यूटर प्रोफेशनल की तरह एक मैनेजर की तरह काम कर रहे हैं। तो मेरे ख्याल से ये जो वेलनेस की चीजें हैं वो अपनी हेल्थ के लिए अच्छी होती है, मेंटल हेल्थ, फिजिकल हेल्थ, सोशल हेल्थ, स्पिरिचुअल हेल्थ, फैमिली के लिए, सोसाइटी के लिए, और उसके माध्यम से जो आपको पहचान मिलती है वो आपको निश्चित रूप से एक बहुत शानदार अनुभव देती है, जो कि ये अद्भुत चीजें हैं जो आप देव संस्कृत विश्वविद्यालय के कंप्यूटर साइंस विभाग में भी जब आएंगे तो आप कंप्यूटर साइंस के साथ इसको अनुभव कर सकते हैं, और आप किसी भी विभाग में आएंगे, किसी भी कोर्स में आएंगे तो उसके साथ एक फ्लेवर के रूप में आपको मिल सकता है। बहुत बहुत ही अच्छा सर ने ऐड किया, लास्ट में समअप किया है कि मतलब आप आए किसी भी डिपार्टमेंट में, आप कंप्यूटर साइंस पढ़ने आए हैं, लेकिन आपको इसके साथ एडवांस चीजें इतनी सारी मिलेंगी कि आप कहीं सीखते 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 थक जाएंगे। सिखाने वाले आपको सिखाने वाले बिल्कुल नहीं, देव संस्कृत विश्वविद्यालय लाइफ लॉन्ग लर्निंग सेंटर है, बहुत यही इसकी अद्भुत खासियत। तो बिल्कुल आप इस टकसाल में आइए जहाँ पर मानव बढ़े जाते हैं। गुरुदेव ने कहा भी है कि ये हमने एक ऐसी संस्था का निर्माण किया है जहाँ पर व्यक्तित्व का निर्माण किया जाता है, व्यक्ति गढ़े जाते हैं। मानव गढ़ने की अगर कोई टकसाल है पूरी दुनिया में तो वो है आपका शांति कुंज देव संस्कृत विश्वविद्यालय। तो बिल्कुल आप इसमें अपना एक बार अपनी किस्मत आजमाइए, क्योंकि जैसा कि चर्चा में एक निकल कर आया था कि आपने बोला था कि एंट्रेंस क्वालिफाई अगर आप करेंगे तभी आपको यहाँ पर सिलेक्शन होता है, आपको यहाँ पढ़ने का मौका मिलता है। गुरुदेव की इच्छा है, गुरुदेव का आशीर्वाद आप सभी के साथ है। निश्चित रूप से आप सभी का स्वागत है, अभिनंदन है इस देव संस्कृत विश्वविद्यालय में। और हम लोगों के फॉर्म्स निकल चुके हैं सर, आई थिंक आप उसको वेबसाइट से जाकर फिल कर सकते हैं। कोर्सेज के बारे में मैं एक बार फिर से बताना चाहूँगा, BSc IT, BCA, MCA, PhD, इतने सारे कोर्सेज हमारे यहाँ चल रहे हैं। एक बार मैं फिर से आप सभी का बहुत बहुत धन्यवाद दूंगा, क्योंकि एक जो समय आपने दिया है इस डिस्कशन में, और ये बहुत ही महत्वपूर्ण था, ये डिस्कशन भी बहुत ज़रूरी था। तो इसी के साथ में हम लोग जैसे कि भारतीय संस्कृति परंपरा है, शांति पाठ करेंगे। कमर गर्दन सीधी, आंखें बंद, एक बार 3 टाइम शांति। ओम शांति शांति शांति। नमस्ते सर, आपका धन्यवाद। गोपाल सर आपका भी धन्यवाद, और आप सभी का बहुत बहुत धन्यवाद, क्योंकि इस चर्चा को जो सुनने में आपने अपना समय लगाया इसके लिए बहुत बहुत धन्यवाद। आप किसी भी माध्यम से आप हमसे जुड़ सकते हैं। देव संस्कृति विश्वविद्यालय की जो वेबसाइट है www.dsvv.ac.in,
और हमारे जो सोशल मीडिया है, फेसबुक है, ट्विटर है, इंस्टाग्राम है, इन सब के माध्यम से भी आप हमें हमसे कनेक्ट कर सकते हैं। गूगल में आप सिंपली देव संस्कृति डालेंगे तो आपको वेबसाइट्स मिल जाएंगी, वहाँ उसके माध्यम से भी आप संपर्क हम लोगों से कर सकते हैं। 24/7 हम लोग यहाँ पर अवेलेबल हैं। नमस्ते।